अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, यह मिस्टर फिट ललिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी के लड्डू, वो भी बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी तरीके से। मेथी के लड्डू सर्दियों में रोज़ सुबह खाने से ये जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है और ये एक औषधि के रूप में काम करता है। तो आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने 700 ग्राम ताज़ा कसा हुआ नारियल लिया है, आप चाहे तो मिक्सी में इसको बारीक पीस भी सकते हैं। 600 ग्राम मैंने बादाम लिए है, जिसको भी मैंने मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लिया है। आधा किलो मैंने काजू लिए हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया है। एक चौथाई कप मैंने पीपरा लिया है, जिसको भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। पीपरा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और भूख बढ़ाता है। 1.5 कप मैंने अखरोट की गिरी ली है, जिसको भी मैंने मिक्सी के अंदर बारीक पीस लिया है। 250 ग्राम मैंने चिरौंजी ली है, जिसे भी मैंने बारीक पीस लिया है। 1 कप मैंने गोंद लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया है। 1 कप मैंने धनिया की कुली ली है। आधा कप मैंने काली मिर्च ली है, जिसको भी मैंने बारीक पीस लिया है। इसके अलावा मैंने 1 किलो आटा लिया है और उसके अलावा मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। 250 ग्राम मेथी को मैंने सबसे पहले मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लिया था और उसके बाद में गर्म दूध के अंदर मैंने इसको 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रखा। 4 से 5 घंटे के बाद में ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फूल कर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे आधा किलो गर्म दूध के अंदर भिगो कर रखा था। इसके अलावा मैंने 800 ग्राम शक्कर ली है, शक्कर मैंने थोड़ी कम ली है, आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। और घी हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक परात के अंदर हम आटा डाल देते हैं और आटा डालने के बाद में हम मेथी जो हमने भिगो के रखी थी इसको भी इसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आटे को और मेथी को अलग से घी के अंदर नहीं भूनना पड़ेगा, दोनों को हम साथ में ही भून लेंगे। तो इसलिए हम इसे सबसे पहले अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इससे आपके समय की बचत भी हो जाएगी और लड्डू का जो मिश्रण है वो भी बहुत जल्दी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोनों हाथों से आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मेथी के लड्डू सर्दियों में रोज़ सुबह खाने से वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, एक औषधि के रूप में काम करते हैं। हर तरीके के दर्द में, जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और बूढ़े बुज़ुर्गों के अलावा जवान लोग भी इसको खा सकते हैं, यानी कि हर लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, इसको आटे को और मेथी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालकर उसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले गोंद को तल के निकाल लेंगे। ये देखिए, गोंद अच्छी तरीके से फूल चुका है, इसको एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बचा हुआ गोंद भी हम घी के अंदर तल लेंगे। गोंद जब आप इसके अंदर डालें तो फ्लेम को मीडियम रखें और जब ये अच्छी तरीके से फूल जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लें। लड्डू के अंदर गोंद की मात्रा थोड़ी सी आप ज़्यादा ही रखें क्योंकि गोंद बहुत ही फायदेमंद होता है। बचा हुआ गोंद भी हमने तल लिया है और इसको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब हम गोंद को साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में कढ़ाई के अंदर वापस से हम थोड़ा घी डाल देते हैं और घी को वापस से हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है,
तो अब हम इसके अंदर मेथी और आटा जो हमने मिक्स करके रखा था वो मिश्रण इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। आपको इसे बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और तब तक भूनना है कि जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। 10 मिनट के बाद में अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल रहे हैं। क्योंकि लड्डू के अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब हम सूखी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से घी डालते रहें। 15 मिनट के बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा घी और डाला है और इसको भी अब मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखिए घी बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज़्यादा घी आपको नहीं डालना है, क्योंकि जब ये अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाएगा तो ये वापस से घी छोड़ना शुरू करेगा। आप इसे लगातार चलाते रहें और फ्लेम को बिल्कुल लो और मीडियम पर ही रखें। ये देखिए मुझे लगभग 35 मिनट हो चुके हैं और 35 मिनट के बाद में ये देखिए आटा और मेथी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, इसने घी छोड़ दिया है और ये देखिए ये चम्मच पर भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये अच्छी तरीके से मिश्रण भुन चुका है। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए चम्मच पर भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये अच्छी तरीके से भुना हुआ है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और अब हम तुरंत सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले गोंद जिसको हमने थोड़ा सा दरदरा कर लिया है उसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में नारियल, बादाम, काजू, चिरौंजी, धनिया की कुली, उसके बाद में हम इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे और अखरोट की गिरी जो पीसी हुई है वो इसके अंदर डालेंगे और पीपरा डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। शक्कर हम बाद में डालेंगे, पहले इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं। जब मिश्रण गर्म हो तभी इन सारी चीज़ों को आप तुरंत डाल दें और बहुत ही जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को आप मिला लें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके लड्डू बनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए जब ये गर्म हो तो बहुत ही जल्दी जल्दी इसके लड्डू आप बांध लीजिए। अब लास्ट में हम इसके अंदर शक्कर मिला लेते हैं। शक्कर डालने के बाद में इसे अच्छे तरीके से आप मिला लें। ये देखिए शक्कर इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है, तो अब हम इसके जल्दी से लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको लड्डू बना के तैयार करने हैं। आप चाहे किसी भी शेप में छोटा बड़ा अपने हिसाब से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से सारे मिश्रण के लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और घी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये लड्डू की रेसिपी आप अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।